चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। माइक दे मुझे। हाँ, जीएसटी क्या हो बता, जीएसटी क्या हो? गुड सेंस सर्विस टैक्स नहीं, नहीं नहीं। अरे यार ये कौन सी बात हुई? अरे माइक मैं पकड़ रहा हूँ ना आप। हाँ बताइए जीएसटी क्या है? आप बताओ मास्टर जी, आपका नाम? जीएसटी। अच्छा भाई साहब, आप दो मिनट। मैं क्यों चुप हो जाऊं यार? इनकी भी सुनो, हम चूतिया बनाना है। मेरी बात सुनो, इनकी भी तो सुनो। नहीं तू चुप रहे, कैमरामैन है। कहीं के लायक नहीं ये डालिए, पत्रकार 5-7 हज़ार के दस देख के अब बता दे आप। बढ़िया खींच, चलो खींच लो। हर चीज में खींच देंगे, उनके आंसू सामने आओ, चलो करो, चलो चलो। नहीं और से क्यों कर लो यार, अड्डे पे ना करियो, अनपढ़ आदमी को यहाँ कोई काम नहीं। बात चल चल निकल, अड्डे पे दिख जाइए यार, ये तो अड्डा यार सब। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से जिला बागपत के कस्बा किशनपुर बराल में हैं। ये वही जगह है जहाँ पे हमने 20 तारीख को अपनी रिपोर्टिंग की थी, जो जीएसटी प्राइस जो हाइक हुए थे, तो हम आम जनता से बात करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो उस दिन हमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोका गया था, हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की गई थी। तो आज हम फिर उसी गाँव में आए हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या महंगाई का असर हो रहा है किस। जी आपका नाम? वीरेंद्र जी। कहाँ से हो आप? सर पर बोलते हैं। अच्छा, जैसे अभी हाँ जी हाँ, जो महंगाई जो बढ़ रही है, जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे सिलेंडर का। सर महंगाई इतनी बढ़ रही है जी, कोई रहा नहीं पा रहा महंगाई का। हाँ का बहुत आ रहा है जी, महंगाई हर चीज पे इतनी बढ़ रही। हाँ सब्जी पे सब रंग पे महंगाई बढ़ गई जी। अच्छा, तो अभी हाँ जी कुछ दिन पहले 5% जीएसटी भी बढ़ाई गई थी। हाँ जी बताइए जी, भारत से क्या फर्क पड़ा? हमें तो कुछ फायदा ही नहीं जी उसका। अरे ये है ज्यादा, ये है जी। आपका नाम? संजय है जी। संजय चौधरी। आप जी अभी देखिए, आप जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो आप खेती में देख लीजिए, तो क्या क्या फर्क उससे आम किसानों को पड़ रहा है? किसानों को तो जी नीचे जा लग रहा है, गरीबी में जा लग रहा है। जो मीडियम में रेंज थी उससे नीचे जाएगा किसान तो फिलहाल, तो महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान नीचे जाता रहा है। तो क्या क्या दिक्कत है किसान को जो है झेलनी पड़ रही है अभी फिलहाल? पेमेंट की है जी सबसे पहले तो। अच्छा, तो कितना पेमेंट आपका किस किस मील पे कितना? ऊपर का जी भी 90% रह रहा। महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ? महंगाई तो बढ़ी रही भाई। अच्छा, महंगाई तो आसमान को छू रही। तो कितनी परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ी? परेशानी परेशानी है भाई मजदूर को तो। अच्छा, किसान को तो है परेशानी, पर मजदूर को भी बहुत परेशानी। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या आपकी मजदूरी भी जो है उस तरीके से बढ़ रही है? नहीं, मजदूरी नहीं बढ़ रही। जी आपका नाम? अनीस। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल ले गए, आपके किचन के सामान को ले लो, तो क्या लगता है ये कहाँ जाके रुकेगी और कितनी दिक्कत है इससे? देखिए, आम आदमी तो परेशान है। जो आदमी 15,000-10,000 कमाने वाला बंदा है, वो 1,050 का सिलेंडर कैसे खरीदेगा, पेट्रोल 100 लीटर कैसे डलवाएगा? सरसों का तेल देख लो, दाल देख लो, चीनी देख लो, कोई मिला के स्थिति है भाई महंगाई की। तो आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा परेशान है, ये स्थिति है महंगाई की। तो महंगाई को तोड़ नहीं, और भी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या करेगा जो 15,000-10,000 रुपये कमाने वाला, जो क्या करेगा वो? चोरी चकारी करेंगे लोग, क्या करेंगे फिर? लेकिन एक तरफ जो है कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे टैक्स जाएगा और देश का विकास होगा, तो क्या ये कितना विकास कहाँ तो हो जाएगा? जब इतने बड़े बड़े कहेंगे करोड़ रुपये के जहाज खरीदते हैं, इतने बड़े अलगेंगे खर्चे इन लोगों के हैं, तो ये महंगाई तो हमेशा से काट रही है महंगाई। अच्छा, किसानों के लिए चलाई गई है सम्मान निधि योजना, तो उससे कितना फायदा किसान को हो रहा है? भाई जी सम्मान निधि योजना तो मैं पहले भी बताया था। हाँ। सम्मान निधि योजना तो 2,000 रुपये तीसरे महीने आते हैं, लेकिन सिलेंडर देख लो आप, हर महीने 50 रुपये बढ़ रहा है। मैं दवाई पे देख लो 50% बढ़ रही, बिजली देख लो सब पे महंगाई महंगाई 2,000 तक ही होगा। इसलिए तो सभी मंदा कर दो, फ्री ना बांटो कुछ भी। यो जो सम्मान निधि चल रही है यार, फ्री में राशन दे लग रहा है, ये हमारे भी तो लिकट लग रहा, अभी नहीं लिकट रहा, चावल फ्री, आटा फ्री, गरीब बना लग रहे, किसान पता जा लग रहा फ्री में, ये भ्रष्टाचार करके भागा लग रहे 32,000 करोड़ और 30,000 करोड़, ये इन तक कोई टैक्स नहीं आ रहा है। विदेश में जाके वीजा ले ली और 32,000 करोड़ लेकर भाग गए, लिया हो ना पकड़ के अग्नि, ये गवर्नमेंट में नहीं हो रहा घोटाले। जी आपका नाम? मुकेश कुमार। अच्छा, क्या करते हो? मैं तो जी अपना मजदूरी करता हूँ। जीएसटी भी बढ़ाई गई है और महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ रही है, पेट्रोल देख लेते, सिलेंडर देख ले, तो एक आम आदमी को कितनी दिक्कत हो रही है? क्या मजदूरी भी आपकी उस तरीके से बढ़ रही है या क्या महंगाई? जितना मोदी जी विकास देश के लिए कर रहे हैं और सभी भली बात परिचित है उससे, ठीक है, लेकिन जितना हम मजदूर हैं,
आप जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन महंगाई कुछ ज़्यादा है और जो है मजदूरी थोड़ी कम पड़ रही है, और जो सिलेंडर है वो भी बढ़ चुके हैं, बिजली के बिल है वो बढ़े हुए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ी सी दया दृष्टि हम गरीबों पर भी डालें। मोदी विकास तो कर रहे हैं लेकिन मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ ये है। तो है। अभी हम इधर भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जी आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम जय चौधरी। अच्छा आप करते क्या है वैसे? भाई मेरा एक होटल है यहाँ पर। अच्छा तो आपको पता होगा कि 5% GST बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। हाँ तो कितनी दिक्कत है आप जैसे लोगों को? भाई दिक्कत ही दिक्कत है। आप ये देख लो कि गैस सिलेंडर भी 1100 रुपये का हो गया। अब हम अगर कोई भी सामान दे वो उस पर अगर हम GST बढ़ाए तो बड़ा कहता है कि भाई तुमने कैसे बढ़ा दी, और सरकार बढ़ा रही है तो हम कैसे करें, गरीब अब तुम्हें कैसे खाएगा और कैसे सिलेंडर भरवाएगा, आप ये बताओ आप। अच्छा जैसे जैसे फॉर्चून रिफाइंड ले लो वो भी अब 150 रुपये का है। अच्छा जैसे GST बढ़ाई गई तो आपने भी क्या खाने पर अपना वो ही बचत आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा बिल्कुल नहीं, खाने पर कोई बचत नहीं आ रही भाई। अच्छा क्योंकि अब उसकी लागत भी बढ़ गई, सब चीज़ बढ़ गई, रेट उसकी हुई है पुराने वाली, तेल मसालों पर जो सब चीज़ पर। सब चीज़ पर बढ़ी है, सब्जियों पर भी बढ़िया हुई है। अच्छा नमस्कार ताऊ जी। भुगतान जो हो रहा है गन्ने का, क्या पूरा पेमेंट पूरा हो चुका है मिलों की तरफ से या अभी बाकी है? हाँ हो गया भुगतान। कितना बाकी है अभी, कितना रुपया हुआ है भुगतान? तो बसाने वाले का तो आते थे 32 रह रहा, रमवाड़े वाले का आते थे कुछ कम सा रह रहा। तो अभी बहुत सारा बाकी है। अच्छा खेती के जो बिजली के जो बिल है वो कितना जो है रुक कितना बढ़ा देगा है खेती में, जो खेत में जो बिजली का बिल लगे हुए हैं? बिजली का बिल तो नुकै भी घटा नहीं, वो तो 2,000-2,500 रुपये महीने के हिसाब से पड़े। नहीं सरकार ने वादा भी किया था कि हम बिजली बिल हाफ कर देंगे, क्या हुआ है वो? बिल तो हुआ नहीं जी। भैया आपका नाम? मोहन जी। आप क्या करते हो? मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा मजदूरी करते हो। तो अभी आपने देखा होगी 5% GST भी बढ़ा दी गई है सरकार द्वारा, और महंगाई भी बढ़ रही है। आप सिलेंडर देख लीजिए, किचन का जो सामान है ज़्यादातर उस पर जो है GST बढ़ा दी गई है। कितनी दिक्कत है एक आम आदमी को हो रही है? दिक्कत ज़्यादा है जी। अच्छा क्या क्या दिक्कत हो रही है? क्या अपना वो आप खर्चा चला पा रहे हैं घर का? खर्चा यही है मजदूरी कर लिया, अपना खर्चा कर लिया, वही अपना मजदूरी करे भैया। जो सिलेंडर 1050 का हुआ इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो 700 रुपये का था पहले, इसलिए 350-350 रुपये बढ़े आए, इसमें दिक्कत ही दिक्कत आ रही भैया। और मजदूरी 400 रुपये चल रही है, 400 रुपये में घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, इससे भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। मजदूरी के 500 रुपये तो ज़रूर चाह, बालक भी नहीं पढ़ा सकते, बालकों की फीस नहीं पूछती। हाँ महीने की फीस ही कम से कम 600-700 रुपये हो गई आवे। हाँ तो उसमें मजदूरी की वो बालकों की फीस पुगावे या घर का खर्चा चलावे, उसमें दिक्कत ज़्यादा आ रही है। ये तो बढ़ा दिए गए। हाँ जी बिजली के बिल बढ़ा दिए, जैसा मानने के बाद मीटर लगे जो मीटर में पहले 600-700 रुपये आ कर थे, उसमें मीटर के बिल में हमारे 800 भी आ जा, 900 भी आ जा, महीने के 2000 भी आ जा बाजी पर, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही, पूर्ति नहीं हो रही। नो मान लो साल भर में बिल भरे उसमें भी दिक्कत ही आवे, भर नहीं पाते, महीने में भी नहीं भरे जा रहे, महीने में भी भर नहीं पाते। तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं? नहीं भेज पा रहे? नहीं भैया स्कूल की किताब भी नहीं आई हमारे पे बच्चों की। अभी हम जिला बागपत के गांव बिराल में थे, हमने यहाँ पे लोगों से बात की और जो इनकी जो दैनिक जो समस्याएं हैं उनसे इन लोगों से बात की, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि महंगाई से बहुत ही परेशान है। सीसी से जुड़े रहे, उत्तर प्रदेश से जमीनी खबरें आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।